भाजपा आदि पिछड़ा मोर्चा के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर शहर के हृदय स्थली कल्याणी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र चप्पड़ी करने के विरोध में कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य ने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वही चेतावनी देते हुए मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी अब सतर्क हो जाए, अन्यथा इसी प्रकार पुतला दहन किया जाता रहेगा एवं उग्रां प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस मौके पर प्रभात मालाकार भारत भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री साहेब शाह, लोकसभा संयोजक मुकेश चंद्रवंशी, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री आकाश पटेल, उपाध्यक्ष कमलेश गुप्ता एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी किया है उसी के विरोध में आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी में ये दर्ज करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं, वो ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं और भारतीय जनता पार्टी संशोधन करते हुए उन्हें ओबीसी वर्ग में लाती है। आज उसी के विरोध में हम मुजफ्फरपुर मुख्यालय में हम सभी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के समस्त टीम के समक्ष में राहुल गांधी जी का पुतला दहन किए हैं। राहुल गांधी जी तो वैसे भी मूर्ख तो हैं ही, कभी वो आलू से सोना निकाल देते हैं, कभी कभी स्टोव से भी कभी कभी कोयला जला देते हैं, तो वैसे मूर्खों के सरदार तो कहे जाने वाले हैं। बस उसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए हैं और हम इस आप सभी के माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि वो सुधर जाए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई टीपा टिप्पणी ना करे, हमारे पार्टी के बारे में कोई टीपा टिप्पणी हम लोग ना करे जो देश के लिए और राष्ट्र के लिए काम करती है। हमेशा सदैव भारतीय जनता पार्टी के पूरी पार्टी सहित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा राष्ट्र के लिए राष्ट्रहित में काम करते हैं और सदैव गरीबों, महिलाओं, बच्चों, युवा सभी के लिए वो सोचते हुए आए हैं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी किया है वो अशोभनीय है, इसलिए हम लोग विरोध दर्ज करते हैं और चेतावनी देते हैं उनकी पूरी समस्त टीम को, कांग्रेस पूरी पार्टी की पूरी टीम को कि वो इस टाइप का अभद्र टिप्पणी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ ना करें। क्या परिचय हो गया? मैं विकास गुप्ता, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा मुजफ्फरपुर। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।